नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्न टेक्निकल में। फिर से लेके आए दोस्तों एक नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। HCL की तरफ से प्राइवेट जॉब है, सभी भारतीय आवेदन कर सकते हैं। किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ना ही आपको किसी तरह की फीस पे करनी है। तो जरूर इसके लिए जो है आवेदन कीजिएगा। कैसे करना है वीडियो के लास्ट में मैं जरूर जो है आपको बता दूंगा। बाकी डिटेल देखने के लिए आपको सिंपली इस लिंक पे आना है, ये लिंक आपको ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या क्या लिखा गया है इस नोटिफिकेशन में। बात करें पोस्ट की तो यहाँ पे दोस्तों पहली जो पोस्ट है वो है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, नोएडा की ये जॉब है। अगर बात करें नंबर ऑफ पोजीशंस की तो 12 हैं। अगर आप बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीटेक, बीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, ये सभी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है किसी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना बड़ा आसान है, नीचे लिंक दिया गया है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उसके अलावा भी दोस्तों जो है एक और जॉब निकली हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे वापिस जाएंगे इस लिंक पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारे रिक्रूटमेंट है, ज्यादातर रिक्रूटमेंट जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे दो जॉब देखें, ये जो है स्कॉलर की जॉब है और नीचे जो है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जो जॉब है, इसमें फ्रेशर्स मांगे गए हैं, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। हमने बात करी थी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की, तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे जो है वो स्कॉलर की जॉब के लिए। तो यहाँ पे आपको जो सिंपली क्लिक कर देना है, जैसे दोस्तों आप यहाँ पे जो है वो क्लिक कर देंगे तो एंट्री लेवल की ये जॉब है। यहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये भी जो है वो नोएडा की है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बीटेक मांगी गई है। इसमें नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो 22 है, तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है वो सिंपल प्रोसेस से होगा, आपको यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप जो है इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपको जो है वो नेक्स्ट विंडो पे जाना होगा, और नेक्स्ट विंडो पे जाने के बाद आप जितनी भी डिटेल फिल कीजिएगा बिल्कुल जो है वो प्रॉपर जो आपके रिज्यूम में लिखा है वही चीजें जो है यहाँ पे फिल कीजिएगा। तो स्कॉलर की पोस्ट है, फ्रेशर्स मांगे गए हैं, नोएडा में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, नंबर ऑफ पोजीशन 22 है, बीटेक मांगा गया है, और जॉब जो है वो 3 मई को एक्सपायर हो जाएगी। यानी कि 3 मई से पहले पहले आपको इसके लिए आवेदन करना है। अप्लाई टू जॉब पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद साइन इन मांगा जाएगा, हमारे पास होगा नहीं तो यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट येट पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये सारी चीजें हमें फिल करना है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि पासवर्ड भी जो है वो कैसे लगाना है, आपका कई बार पासवर्ड जो है वो एरर आता है, तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो पासवर्ड के बारे में भी बताया गया है कि पासवर्ड आपको कैसे लगाना है, क्योंकि इसमें जो है स्पेशल करेक्टर इन्वॉल्व करने तभी आपका पासवर्ड जो है वो सेट हो पाएगा। तो ये सारी चीजें फिल करने के बाद दोस्तों आपको कन्फर्म कंटिन्यू करके जो है कन्फर्म कर देना है इस जॉब के लिए, और अप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद दोस्तों अगर आपको इन्विटेशन आता है तो आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, सिलेक्शन हो जाती है तो जॉब आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।